बीजेपी में असेंबली इलेक्शन को लेकर मीटिंग्स का सिलसिला जारी है। इलेक्शन इंचार्ज राम माधव कश्मीर पहुंच चुके हैं। खबरों के मुताबिक इस दौरान पार्टी लीडरान के अलावा वो इलाकाई जमातों के लीडरान के साथ भी मुलाकात कर सकते हैं। दूसरी तरफ जम्मू में उम्मीदवारों और इंतखाबी मंशूर को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। जम्मू पार्टी ऑफिस में आज एक अहम मीटिंग चल रही है जिसमें जी किशन रेड्डी, तरुण चुग, जुगल किशोर शर्मा, अशोक कौल समेत स्टेट यूनिट के दीगर लीडरान भी मौजूद हैं। स्टेट इलेक्शन कमेटी के सीनियर मेंबर निर्मल सिंह ने कहा है कि मरकजी क़यादत की मंजूरी के बाद जल्द ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा। इंतखाबी मंशूर के हवाले से उन्होंने कहा है कि फाइनल ड्राफ्ट में आला क़यादत के कुछ सुझावों को शामिल कर इसे भी जल्द जारी किया जाएगा। काफ़ी चीज़ें जो हैं सीट्स के ऊपर चर्चा हो चुकी है, पैनल बन चुके हैं और जो रहती हैं उसको जल्दी से फाइनलाइज होने की प्रक्रिया में है और जल्दी लगता है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड में जो है जाके चीज़ें जो हैं फाइनल हो जाएंगी। हाँ, मैनिफेस्टो का लगभग फाइनल है। कुछ हमने दिल्ली भेजा था, उसकी जो ड्राफ्ट कॉपी भेजी थी वहाँ से कुछ सजेशन आई हैं। आज फिर अभी बैठने वाले हैं, अभी उसको फाइनलाइज करेंगे। और इस पर मजीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश पटियाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। ख्वाहिश, क्या ताज़ा जानकारी? मीटिंग चल रही है राम माधव की क़यादत में। जी, मैं आपको बता दूं ये अहम बैठक जो है भाजपा मुख्यालय में चल रही है, हालांकि इसमें राम माधव शामिल नहीं है। राम माधव यहाँ पहुंचेंगे जम्मू, आज उनका पहुंचने का जो है वो यहाँ पे प्रोग्राम है और उसके बाद पार्टी मुख्यालय जाएंगे। लेकिन जो बैठक अभी चल रही है इसमें मुख्यतः जी किशन रेड्डी जो है वो मौजूद है, तरुण चुग मौजूद है, उसके अलावा एमपी जुगल किशोर है और अशोक कौल है, उसके अलावा और भी वहाँ पर लोग मौजूद थे। तो साफतौर पर बाकी लोगों के साथ वहाँ पर इस पर ही चिंतन मंथन हो रहा है कि आने वाले समय में जो बड़ी रैलियां होनी है जिसमें कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और कई सारे बड़े लीडर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, उन्होंने जो है वो जनसम्मेलन करना है। तो कैसा प्रोग्राम रहेगा, टिकट्स को लेकर जो है उस पर भी जो चर्चा की जा रही है, चेहरे देखे जा रहे हैं, फीडबैक लिए जा रहे हैं।